शेयर नॉलेज पुणे में आपका स्वागत है। हर बार की तरह इस बार भी एक ऐसा शेयर लेके आया हूँ जो कि आने वाले समय में आपको अच्छे खासे रिटर्न दे सकता है। मात्र 236.70 रुपये का ये शेयर है। इस शेयर का 52वीं हाई देखेंगे तो 52वीं हाई 239 रुपये के आसपास है, वहीं 52वीं लो 112 रुपये के आसपास है। आज के दिन कितनी क्वांटिटी उठाई गई देखते हैं। तो अब देखेंगे 10,14,716 क्वांटिटी उठाई गई है जो कि 25% के आसपास है। कंपनी इन्फॉर्मेशन में जाके कुछ डिटेल देख लेते हैं। तो अब देखेंगे कंपनी ने पिछले क्वार्टर में जहां 218 लाख का प्रॉफिट बुक किया था, वहीं इस क्वार्टर में कंपनी ने 283 लाख का प्रॉफिट बुक किया है। यानी कंपनी ने पिछले क्वार्टर की अपेक्षा इस क्वार्टर में प्रॉफिट ज़्यादा बुक किया है। इसके बाद इस कंपनी का हम शेयर होल्डिंग पैटर्न देख लेते हैं। तो अब देखेंगे यहाँ पे 36% प्रमोटर का हिस्सा है, वहीं 63% के आसपास पब्लिक का हिस्सा है। ज़्यादातर 50% के ऊपर प्रमोटर इसी को हम अच्छा मानते हैं, तो यहाँ पे 36% प्रमोटर का हिस्सा है, इसका आपको ध्यान में रखना होगा। इसके बाद प्रमोटर ने अपने शेयर को गिरवी रखा है कि नहीं देखते हैं। तो अब देखेंगे सी कॉलम में 0 है, यानी प्रमोटर ने अपने शेयर को गिरवी नहीं रखा, तो ये कंपनी के लिए पॉजिटिव साइन बन जाते हैं। इस कंपनी का मार्केट कैपिटल देखते हैं तो देखिए 621 करोड़ का मार्केट कैपिटल है जो कि काफ़ी शानदार है। करंट मार्केट प्राइस 221 रुपये के आसपास है। 52वीं हाई 243 रुपये, वहीं 52वीं लो 112 रुपये के आसपास है। कंपनी के पास 5 करोड़ के आसपास का डेप्थ है, ये बात आपको ध्यान में रखनी होगी। एक साल का चार्ट देखेंगे तो काफ़ी शानदार रिटर्न दिए हैं कंपनी ने अपने शेयर धारकों को इस एक साल के अंदर, आप देख सकते हैं यहाँ पे। जिस कंपनी का हम क्वार्टरली प्रॉफिट देखते हैं तो देखिए इस क्वार्टर में कंपनी ने 8,47,00,000 का प्रॉफिट बुक किया है, वहीं पिछले क्वार्टर में 3,94,00,000 का, उसके पिछले क्वार्टर में 2,80,00,000, 12,36,00,000, 3,76,00,000, 5,17,00,000, 58,00,000, 5,02,00,000, 4,71,00,000। तो अब देखेंगे इस कंपनी ने हर एक क्वार्टर में काफ़ी शानदार प्रॉफिट बुक किया है। इसके बाद इस कंपनी का हम ईयरली प्रॉफिट देख लेते हैं। तो अब देखेंगे इस साल कंपनी ने 24 करोड़ का प्रॉफिट बुक किया है, वहीं पिछले साल 13 करोड़ का, उसके पिछले साल 10 करोड़, 3 करोड़, 10 करोड़, 2 करोड़, 5 करोड़, 8 करोड़, 9 करोड़, 5 करोड़, 1 करोड़ और 2 करोड़। तो अब देखेंगे इस कंपनी ने हर एक साल में भी काफ़ी शानदार प्रॉफिट बुक किया है। इसके बाद इस कंपनी का हम रिजर्व देख लेते हैं। तो अब देखेंगे कंपनी के पास 99 करोड़ के आसपास का शानदार रिजर्व है, वहीं 6 करोड़ के आसपास की बोरोइंग भी है। शेयर होल्डिंग पैटर्न आपको बता चुका हूँ। थर्टी सिक्स परसेंट प्रमोटर का हिस्सा है, वहीं 63% के आसपास पब्लिक का हिस्सा है। कंपनी का वन डे का चार्ट देखिए, 5 डेज का चार्ट देखिए, 1 मंथ का चार्ट देखिए, 6 मंथ का चार्ट देखिए, YTD का चार्ट देखिए और इसका मैक्सिमम चार्ट देखिए। जी हाँ, इस शेयर में ग्रोथ है, इस कंपनी का फंडामेंटल बहुत स्ट्रांग है। इस कंपनी का नाम है जी हाँ, साइबर टेक सिस्टम एंड सॉफ्टवेयर लिमिटेड। जी हाँ, मात्र 220 रुपये का ये शेयर है। इसका हम फाइनेंशियल देख लेते हैं। तो अब देखेंगे यहाँ पर जितनी भी डिटेल दी गई हैं, अगर ये सारी डिटेल ग्रीन में होती है तो ये कंपनी के लिए पॉजिटिव साइन होता है। तो अब देखेंगे यहाँ पर ज़्यादातर डिटेल जो दी गई हैं वो ग्रीन में दी गई हैं। जब भी आप किसी भी शेयर में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आप भी उस कंपनी का फाइनेंशियल देख लें। अगर उस कंपनी का फाइनेंशियल सारा डिटेल ग्रीन में है तो ये कंपनी के लिए पॉजिटिव साइन होता है। अभी मैं आपको साइबर टेक के कैंडल चार्ट पैटर्न के ऊपर लेके आया हूँ और मैंने देखिए यहाँ पे वन डे का एक टाइम फ्रेम लगाया है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। और इस वन डे के टाइम फ्रेम में आप देखेंगे कि सुपर ट्रेंड एक्टिवेट हो चुका है और शेयर ऊपर की तरफ मूव कर रहा है। गाइस, इसके बाद मैं यहाँ पे 1 वीक का एक टाइम फ्रेम लगाऊंगा और इस 1 वीक के टाइम फ्रेम में भी आप देखेंगे सुपर ट्रेंड एक्टिवेट हो चुका है और शेयर ऊपर की तरफ मूव कर रहा है। गाइस, इसके बाद मैं यहाँ पे 1 मंथ का एक टाइम फ्रेम लगाऊंगा और 1 मंथ के टाइम फ्रेम में भी आप देखेंगे सुपर ट्रेंड एक्टिवेट हो चुका है और शेयर ऊपर की तरफ मूव कर रहा है। गाइस, जब भी आप किसी भी शेयर में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आप भी उस कंपनी का कैंडल चार्ट पैटर्न जरूर देखें।
आपको तीनों टाइम फ्रेम अप्लाई करने हैं, 1 डे का टाइम फ्रेम, 1 वीक का टाइम फ्रेम, 1 मंथ का टाइम फ्रेम। आपको देखना होगा कि इसमें सुपर ट्रेंड एक्टिवेट हुआ है या नहीं। सुपर ट्रेंड क्या होता है? एक बाइंग इंडिकेटर होता है जिससे कि हमें शेयर को बाय करने के सिग्नल मिलते हैं। सुपर ट्रेंड कैसे अप्लाई करते हैं तो मैं आपको बताना चाहता हूँ। देखिए, सबसे पहले आपको यहाँ पे आना है इस वाले ऑप्शन पे, ठीक है। इस ऑप्शन पे आके आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पे RSI लगा के रखा है मैंने और इसमें सुपर ट्रेंड लगा के रखा है। तो मैं आपको सबसे पहले सुपर ट्रेंड के बारे में बताने जा रहा हूँ। तो सुपर ट्रेंड पे क्लिक करता हूँ तो देखेंगे यहाँ पे पीरियड जो है वो पीरियड 10 का है। पीरियड आपको 10 वहाँ पर टाइप करना है होगा। उसके बाद जो मल्टीप्लायर है, मल्टीप्लायर में आपको 1.5 यहाँ पर टाइप करना है। देन अप ट्रेंड में आपको ग्रीन कलर चूज़ करना है। देन डाउन ट्रेंड में आपको रेड कलर चूज़ करना है। उसके बाद मैं यहाँ पे डन कर देता हूँ, ठीक है। इसके बाद RSI आपको दिखा देता हूँ मैं, RSI। तो देखिए RSI में पीरियड है वो 14 का आपको रखना है यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद RSI को जो कलर मैंने ब्लैक चूज़ किया है, आप जो आपको अच्छा लगता है वो कलर चूज़ कर सकते हैं। ओवरबॉट जोन में मैंने ग्रीन चूज़ कर रखा है और यहाँ पर 60 रखा है मैंने, और ओवरसोल्ड में मैंने 40 और उसको मैंने रेड करके रखा है। तो आपको जो कलर अच्छा लगता है उस हिसाब से आप कलर यहाँ पे एडजस्ट कर सकते हैं। आप एक बार इस सुपर ट्रेंड को एक्टिवेट करके देखिए अपने कैंडल चार्ट पैटर्न के ऊपर, डेफिनेटली 80% ये आपको सपोर्ट करेगा। अभी मैं आपको मनी कंट्रोल की वेबसाइट के ऊपर लेके आया हूँ। मैं मनी कंट्रोल की वेबसाइट के ऊपर इसलिए लेके आता हूँ, यहाँ पे कम्युनिटी सेंटीमेंट मिल जाते हैं, यानी लोगों का एक ओपिनियन जान लेते हैं शेयर के बारे में कि कितने परसेंट लोग इस शेयर को बाय करने के लिए अपना ओपिनियन दे रहे हैं। जी हाँ, जब भी आप किसी भी शेयर में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आप भी उस कंपनी का कम्युनिटी सेंटीमेंट देख लीजिए, जिससे कि आपको भी एक आइडिया मिल जाए कि जिस शेयर में आप बाय करने जा रहे हैं उसके बारे में लोगों का क्या ओपिनियन है। तो अब देखेंगे यहाँ पे 85% लोग इस शेयर को बाय करने के लिए अपनी राय दे रहे हैं। जी हाँ, कहीं ना कहीं इन लोगों को भी ऐसा लग रहा है कि ये शेयर आने वाले समय में आपको अच्छे खासे रिटर्न दे सकता है। वहीं 15% लोग इसे होल्ड करने की राय दे रहे हैं। आपको साइबर टेक लिमिटेड के ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर लेके आया हूँ। तो देखें ये कंपनी क्या थी, क्या है, सारी डिटेल आपको यहाँ मिल जाएगी, ठीक है। ये सैप के ऊपर काम करती है। सैप मीन्स क्या होता है? सिस्टम एप्लीकेशन एंड प्रोडक्ट इन डेटा प्रोसेसिंग, ठीक है। तो इस तरह के ये प्रोग्राम होता है, इस पे ये वर्क करती है। आप देख सकते हैं यहाँ पे। अगर आप भी डिटेल में जानना चाहते हैं इस कंपनी के बारे में तो आप भी इसकी ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर आ सकते हैं। तो देखें यहाँ पे इसके कौन कौन से क्लाइंट हैं, यहाँ पर हर एक क्लाइंट की डिटेल भी दी गई है। गाइस, अगर आपको ये शेयर अच्छा लगता है साइबर टेक सिस्टम एंड सॉफ्टवेयर लिमिटेड का, जो कि मात्र 220 रुपये का है, तो आप भी इसे अपने पोर्टफोलियो में लेके रखिएगा। गाइस, मार्केट काफ़ी वॉलेटाइल होता है तो बल्क में क्वांटिटी बाय मत कीजिएगा, कम कम क्वांटिटी में ही बाय कीजिएगा। और जब भी आप किसी भी शेयर में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आप उस कंपनी का फंडामेंटल जरूर देख लें। अगर किसी कंपनी का फंडामेंटल अच्छा है तो वो कंपनी आने वाले समय में आपको अच्छे खासे रिटर्न दे सकती है। ऐसे ही किसी कंपनी में इन्वेस्टमेंट ना करें जिसका फंडामेंटल अच्छा ना हो। गाइस, अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, जिससे कि आने वाले इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक इजीली पहुंचाएं, क्योंकि मेरे इस चैनल पे हमेशा फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग शेयर ही सजेस्ट किए जाते हैं। और गाइस, बेल आइकन बटन दबाना मत भूलिएगा जिससे आने वाले नोटिफिकेशन आप तक ईजिली पहुँच जाएँ। थैंक यू गाइस।